हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, मेरे पास यहाँ पर जो डिवाइस है वो है रियलमी जी टी मास्टर एडिशन। और रियलमी जी टी मास्टर एडिशन में यहाँ पर जून मंथ का जो लेटेस्ट अपडेट है C.08 का, वो रोल आउट हो चुका है। तो मैंने भी अपने डिवाइस में इस अपडेट को इंस्टॉल कर लिया है और इसको यूज़ भी करके देख लिया है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस अपडेट में आपको क्या कुछ देखने के लिए मिलता है। साथ ही C.06 अपडेट के बाद इस डिवाइस में काफ़ी कुछ बग्स जो थे वो देखने के लिए मिल रहे थे। तो क्या इस अपडेट में वो बग्स सॉल्व हुए हैं, फिक्स हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं, ये सभी कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो गाइस, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इसका वर्जन देख लेते हैं कि जो वर्जन है यहाँ पर C.08 का है। और अगर आप इसके अबाउट सेक्शन में जाएंगे, जो कि अबाउट दिस वर्जन है, इसमें आपको दिखाएगा सिर्फ दो चेंज लॉग। पहला जो है वो है सिक्योरिटी पैच का, और दूसरा जो है यहाँ पर सिस्टम के परफॉर्मेंस और उसकी स्टेबिलिटी को इम्प्रूव किया गया है। तो चेंज लॉग में केवल ये दो चेंज आपको देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन जो C.06 का अपडेट था उसमें काफ़ी कुछ बग्स थे। तो अब मैं यहाँ पर वन बाई वन उन बग्स को आपको बताऊँगा, और उसके बाद यहाँ पर इस अपडेट के बाद वो बग्स फिक्स हुए हैं या नहीं हुए हैं, ये हम चेक करेंगे। तो चलिए गाइस, यहाँ पर सबसे पहले अगर बग की बात करें तो वो था यहाँ पर वाईफाई कॉलिंग से रिलेटेड। C.06 जो अपडेट था उसमें वाईफाई कॉलिंग जो है वर्क नहीं कर रही थी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो वाईफाई कॉलिंग है वो यहाँ पर भी अभी ऑन है, और वाईफाई जो प्रेफरेंस है उसमें भी वाईफाई कॉलिंग ही प्रेफरेंस है। तो अब हम यहाँ पर जो है डायल करके देखते हैं नंबर की, वो वाईफाई कॉलिंग जो है इसमें हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो आप यहां पर देख सकते हैं जो मैंने यहां पर नंबर लगाया है वो नॉर्मली सिम के थ्रू ही इसमें जो है कॉल हो रहा है। वाईफाई कॉलिंग का यहां पर जो आइकन बना आता है वो आपको आइकन देखने के लिए नहीं मिलेगा। यानी इस अपडेट में इस बग को भी यहां पर फिक्स नहीं किया गया है, और वाईफाई कॉलिंग जो है वो C.08 के बाद भी वर्क नहीं कर रही है। इसके बाद दोस्तों, अगर बात करें यहाँ पर इसके नेक्स्ट बग की, जो कि C.06 में देखने के लिए मिलता था, तो वो था यहाँ पर वेदर के विजिट में जो टेम्परेचर शो होता है वो कॉन्स्टेंटली 19 डिग्री सेंटीग्रेड ही शो होता था, वो बिल्कुल भी वहाँ पर चेंज नहीं होता था। ये जो रिफ्रेश का ऑप्शन इसमें दिया है, ये रिफ्रेश करने पर भी वो रिफ्रेश जो है वो नहीं हो पाता था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो बग जो है यहाँ पर फिक्स हो चुका है। अभी जो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर, इसका टेम्परेचर 24 डिग्री सेंटीग्रेड दिखा रहा है, और ये चेंज भी होता है, ये भी मैंने चेक किया है। तो ये जो बग है यहाँ पर ये फिक्स हो चुका है। तो दोस्तों, अगर बात करें यहाँ पर अब इसके नेक्स्ट बग की, जो कि C.06 में देखने के लिए मिलता था, वो था रियलमी शेयर या फिर नियर बाय शेयर का जो है वर्क नहीं करता था। जब भी आप कोई फाइल उससे सेंड करते थे तो आपको कुछ इस तरीके का मैसेज जो है वो स्क्रीन पर शो हो जाता था फेल्ड का, और यहाँ पर इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता था फेल्ड टू रिसीव फाइल्स। तो ये जो यहाँ पर प्रॉब्लम थी वो इस अपडेट में फिक्स हो चुकी है। मैंने जो वीडियो है उनको ट्रांसफ़र करके देखा है, रियलमी शेयर और नियर बाय शेयर में वो जो वीडियो है वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं। हालाँकि कभी कभी ये फेल हो जाता है अभी भी, लेकिन यहाँ पर फिर भी वो अपडेट में जो है इसको फिक्स कर दिया गया है। तो मोस्टली जो है फाइल अब ट्रांसफ़र हो जाती है। तो गाइज, अगर बात करें यहाँ पर इसके नेक्स्ट बग की, जो कि C.06 में देखने के लिए मिलता था, तो वो था जोमेटो और स्विगी जैसी जो कुछ ऐप्स होती हैं उसको यहाँ पर मलेशियस ऐप्स जो है वो वायरस स्कैन में बताता था। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा वायरस स्कैन में ये बिल्कुल क्लीन बता रहा है, अभी कोई भी इसमें ऐप जो है वो वायरस नहीं बता रहा है। जबकि यहाँ पर जो स्विगी और जोमेटो है वो मेरे फ़ोन में यहाँ पर इंस्टॉल्ड हैं, जबकि पहले जो भी ये ऐप्स थी उसको यहाँ पर ये वायरस के रूप में डिटेक्ट कर रहा था। हालांकि मेरे डिवाइस में प्रॉब्लम नहीं थी, आप देख सकते हैं यहाँ पर जोमेटो जो है मेरे फ़ोन में इंस्टॉल्ड है, लेकिन यहाँ पर उसने इसको वायरस नहीं डिटेक्ट किया है। तो ये जो बग था ये भी इस अपडेट में फिक्स हो चुका है। तो गाइज, अगर आप बात करें यहाँ पर इसके नेक्स्ट बग की, जो कि C.06 में देखने के लिए मिलता था, वो था यहाँ पर स्क्रीन कास्ट का। तो जो स्क्रीन कास्ट है वो यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा था C.06 अपडेट में, लेकिन अब मैंने यहाँ पर चेक किया है C.08 अपडेट में ये जो है वर्क कर रहा है। हालांकि ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, थोड़ी देर चलता है और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये बग जो है वो फिक्स तो हुआ है, लेकिन इसको अभी यहाँ पर और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जो ये बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता है उस चीज़ को यहाँ पर फिक्स करने की ज़रूरत है अभी इस अपडेट के बाद भी।
तो दोस्तों अब अगर बात करें यहाँ पर इसके नेक्स्ट बग की, तो वो यहाँ पर जो क्लॉक होता है उसमें यहाँ पर नेक्स्ट बग जो है वो देखने के लिए मिलता था। क्लॉक की सेटिंग्स में जाकर अगर आप यहाँ पर ड्वेल क्लॉक को ओपन करेंगे तो आप देखते थे कि पिछला जो अपडेट था C.06 का, उसमें ड्वेल क्लॉक ऑन होने के बाद भी जो स्क्रीन पर है ड्वेल क्लॉक शो नहीं होती थी। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि ये जो भी यहाँ पर इस अपडेट के बाद ये इशू भी फिक्स हो गया है और ड्वेल क्लॉक जो है आपको यहाँ पर होम स्क्रीन पर भी शो हो रही है और यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें लॉक स्क्रीन पर भी आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ये वाला जो इशू था वो भी इस अपडेट में फिक्स हो गया है। तो दोस्तों ये कुछ बग्स थे जो कि C.06 में थे और यहाँ पर C.08 में मैंने आपको हर बग के बारे में बताया है कि कौन सा फिक्स हुआ है और कौन सा नहीं हुआ है। इसके अलावा भी बहुत सारे बग्स जो है वो कुछ यूज़र्स को देखने के लिए मिल रहे थे, जैसे कि बैटरी ड्रेनिंग की प्रॉब्लम या फिर और भी कई बग्स उनको देखने के लिए मिल रहे थे। तो अभी आपको कोई भी बग जो है वो देखने के लिए मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अब अगर हम तो दोस्तों ये था यहाँ पर C.08 अपडेट के बारे में कि जो बग्स हैं वो फिक्स हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, और आपको अगर अभी भी कोई बग देखने के लिए मिल रहा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही था, मिलता है फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।